नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 श्री राम की बालीला, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य रचनावली कवितावली से ली गई है। इसमें हमने श्री राम जी के बचपन की लीलाओं के बारे में जाना और उनके कि किस तरह श्री राम और उनके भाई मिलकर क्रीड़ाएं करते थे और उनको देखकर उनकी माताएं और राजा दशरथ किस प्रकार आनंदित होते थे। तो आइए आगे पढ़ते हैं। पग नुपुर ओ पहुंची कर कंजनी मंजू बनी मनिमाल हिये नवनीत कलेवर पीत झंगा झलकई पुलकई नृप गोद लिए अरबिंदु सो आननु रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए मन मोना वस्यों अस बालकों जो तुलसी जग में फल कौन जिए। इसका अर्थ है कि श्री राम और उन भाइयों के पग में उनके पैरों में नुपुर बंधे हुए, नुपुर पैरों का आभूषण जिससे वो छमछम करते हुए यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं और उनका यह मनमोहक रूप बड़ा ही सुंदर लग रहा है। श्री राम के पैरों में नुपुर हैं और उन हाथों में आभूषण कर कंजनी, कर होते हैं हाथ, हाथों में आभूषण और गले में मोतियों की माला बनी हुई है। मनिमाल ही होता है गले, उनके गले में मोतियों की माला बनी हुई है। उनका मुख नवनीत कलेवर पीत झंगा, नवनीत, नवनीत होता मक्खन सा सुकोमल, मक्खन सा कोमल, कलेवर पीला पीत झंगा पीले रंग के वस्त्र, श्री राम ने मक्खन से कोमल पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। कलेवर होता है शरीर, अपने शरीर पर पीले रंग के सुकोमल मक्खन से सुकोमल कपड़े पहने हुए हैं जी। और श्री राजा दशरथ श्री राम को अपनी गोद में लेकर बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। पुलके नृपु मतलब बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। अरविंद सो आननु रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए, अरविंद होता है कमल, कमल आननु होता है आनन होता है मुख, उनका मुख जो है वो कमल के समान है, उनका मुख कमल के समान सुशोभित हो रहा है या कमल के समान सुंदर लग रहा है, जिस कारण जो बौरा है कि और उनके मुख पर लोचन भृंग, उनके मुख पर जो आंखें हैं वो ऐसे लग रही हैं, उनके मुख पर उनका पूरा मुख जो है वो है कैसा, कमल के समान, और उनके मुख पर जो आंखें हैं वो लग रही हैं जैसे भोरा जो है वो कमल से पराग पी रहा है। आपने कभी किसी भंवरे को किसी फूल का रस पीते हुए देखा है? ठीक वैसे ही यहाँ पे उपमा की गई है। तुलसीदास ने बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ उपमा की है कि श्री राम का मुख जो है वो कमल के समान है और उनके मुख पर जो सुंदर आंखें हैं वो ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो भंवरा जो है वो कमल में से रस पी रहा हो। मन मो ना वस्यों अस बालकों जो तुलसी जंग में फल कौन जिए। अब इस प्रकार की मनमोहक छवि जो है अगर मन में ना बसे और इस तरह का बालक जो है तुलसी के मन को ना मन को ना मोहित करे तो जग में दूसरा ऐसा कौन है जो उनको मोहित कर सकता है। तनकी दुती श्याम सरोरुह, चलो छोड़िए इसको, पहले इसी को फिर से एक बार देख लेते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए। पग नुपुर ओ पहुंची कर कंजनी मंजू बनी मलिमाल हिए, श्री राम के पैरों में नुपुर, ये जो पैरों में आभूषण पहना है इसको कहा जाता है नुपुर, उनके पैरों में नुपुर हैं वो, नुपुर पैरों में नुपुर पहनकर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। कर कंजनी और उनके हाथों में आभूषण है, हाथों में भी आभूषण है और उनके हाथ गले में जो है वो माला है। नवनीत कलेवर, उन्होंने मक्खन जैसा सुकोमल पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और उनको लेकर राजा दशरथ जो है वो अपनी गोद में बड़े ही पुलकित, बड़े ही आनंदित प्रतीत हो रहे हैं, उनको बड़ा ही आनंद मिल रहा है श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर।
अरबिंदु सुहान नू रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए अरबिंदु कमल सा मुख अरबिंदु सुहान नू कमल सा मुख। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने श्री राम के मुख की तुलना कमल के समान की है। वो कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम का मुख जो है वो कमल के समान है और उनके मुख पर जो सुंदर आंखें हैं, उनके चेहरे पर जो सुंदर आंखें हैं वो ऐसी प्रतीत होती हैं मानो भवरा कमल में से रस पी रहा हो। मन मोना बस्यूं अस बालकूं तो जो तुलसी जंग में फल कौन जिए। अब ऐसी मनमोहक छवि जो है वो मन में ना बसे तो तुलसीदास जी कहते हैं जग में ऐसा और कौन हो सकता है और या कौन ऐसा हो सकता है जिनके मन में इसकी ऐसी मनमोहक छवि ना बसे। अर्थात तुलसीदास जी के मन में श्री राम जी की ऐसी मनमोहक छवि जो है वो बस चुकी है। तनकी दुति श्याम सुरोरुह लोचन कंज की मंजुल ताई हरे अति सुंदर सोहत धुरी भरे छबी भूरी अनंग की दूरी धरे दमके दतियां दुति दामनी ज्यों किलके कल बाल विनोद करें अब देश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। अब श्री राम जी के श्यामल रूप की या श्यामल वन की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि श्यामल शरीर की कांति जो है वो दनकी दुति श्याम सरोरू उनके श्यामल शरीर की कांति जो है वो बिल्कुल बादलों के समान लग रही है। जब वे हंसते हैं लोचन कंज की मंजुलताई हरे जब वे हंसते हैं तो उनके दांतों की चमक ऐसे दमके दतियां दुति दामनी ज्यों उनके दांतों की चमक ऐसी लग जैसे वो हंसते हैं उनके दांत दिखाई देते हैं तो उनके दांतों की चमक ऐसी लगती है मानो बादलों के बीच बिजली चमक रही हो। उनके जब वो हंसते हैं तो उनके दांतों की चमक ऐसी लगती है मानो बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो। यद्यपि उनका श्यामल शरीर जो है वो किससे भरा हुआ है धूरी भरे छबी उनका शरीर जो है वो धूल से भरा हुआ है मिट्टी से भरा हुआ है फिर भी उनकी सुंदरता भूरी अनंग की दूरी धरे अनंग होता है कामदेव उनकी जो सुंदरता जो है वो कामदेव को भी मात दे रही है अर्थात उनका सौंदर्य जो है वो कामदेव के सौंदर्य से भी अधिक सुंदर लग रहा है। इतना सुंदर इतना मनमोहक रूप उनका बना हुआ है हालांकि वो मिट्टी से भरे हुए हैं धूल से भरे हुए हैं फिर भी उनका सौंदर्य जो है वो कामदेव को मात दे रहा है कामदेव से भी वो अधिक सुंदर लग रहे हैं। कहा जाता है कि कामदेव जो हैं वो सबसे सुंदर पुरुष हैं लेकिन श्री राम का ये धूल से भरा हुआ शरीर कामदेव को भी मात दे रहा है। अब अवधेश के बालक चारी ये अवध के राजा के चारों बालक मतलब राजा दशरथ के चारों बालक सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे तुलसी के मन मंदिर में सदा ही निवास करते हैं सदा ही विराजमान रहते हैं। तो आपने जाना कि तनकी दुति श्याम सरोरू को लोचन कंज की मंजुलताई हरे श्री राम के श्यामल रूप का वहाँ पे वर्णन किया गया यहाँ पे श्री राम के श्यामल वन की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं श्यामल शरीर की कांति जो है तनकी दुति श्याम उनके श्यामल शरीर की जो कांति है वो बादलों के समान है वो बादलों के समान है कैसे बादल काले बादल है ना। जब वे हंसते हैं तो उनके दांत दमके दतियां दुति दामनी जो जब वो हंसते हैं कल बाल विनोद करें मतलब जब वे हंसते हैं तो उनके दांत ऐसे चमकते हैं जैसे बादलों के बीच में